अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एक्सपर्ट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शबीर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शबीर शार पे। फ्रेंड्स, आज वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। अगर आप नया लैपटॉप लेना चाहते हैं, मार्केट के अंदर हैं, तो आपको समझ नहीं है, आपको पता नहीं कि किस स्पेसिफिकेशन का आपको लैपटॉप लेना है और किस तरह के टाइप का लैपटॉप लेना है, कितने बजट में लेना है, बहुत सारे इस तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपकी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी किस जनरेशन की मशीन को लेना है और कितने बजट में लेना है। बजट आपको कुछ भी हो, कोई भी हो, आपको 50 है, 30 है, 40 है, लेकिन आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने किसी भी लैपटॉप को लेना तो आपने उसके स्पेसिफिकेशन को चेक करना है। स्पेसिफिकेशन को चेक करने का जो तरीका है वो है, दिस पीसी में आएंगे, यहाँ पर सर्च बटन में लिखेंगे दिस पीसी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा इसकी स्पेसिफिकेशन का। तो यहाँ पे लिखा है डिवाइस स्पेसिफिकेशन। डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने देख लेना, यहाँ पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। प्रोसेसर देखना सबसे पहले, जो अहम चीज़ है, इंटेल कोर टीएम, जो इसका जो बोर्ड है वो इंटेल कोर है, ठीक है, इंटेल कोर का इसका बोर्ड है। और टीएम i3, टीएम इसका मतलब जो i3 मशीन है, i5 है, i7 है, i3, i5, i7। और इसके अलावा आपने कौन i3 जो इसका कम 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 है, कम में मिलेगी आपको, लो बजट में मिल जाएगी, ठीक है। i5 तो थोड़ा बढ़ जाएगी और i7 तो ऑब्वियसली और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो i3 माइनस, जो इसके अंदर माइनस आ रहा है यहाँ पर, अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो इसके अंदर माइनस के बाद 4 लिखा आ रहा है, 4030U। तो यहाँ पर जो 4 है इसका मतलब क्या है, इसको सिर्फ इसको छोड़ दें, ये तीन चार वर्ड्स को छोड़ दें, पहले वर्ड्स को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है i3 4th जनरेशन। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो यहाँ पर इसे हम 5 कंसीडर करते हैं, 5th जनरेशन। 6 होता तो 6, 7 होता तो 7, इसी तरह अगर 10 होता तो 10th जनरेशन। ये i3 कोर का है, i3 -4 मतलब 4th जनरेशन। अगर 5 होता तो 5th जनरेशन था। इसका जो प्रोसेसर 1.9 है, इसे आपने देख लेना, ठीक है। और रैम इसके अंदर 4 GB, ये रैम लगी है, ठीक है, इंस्टॉल्ड रैम 4 GB है। डिवाइस की आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, इसे छोड़ दें। ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो विंडोज है, जो प्रोसेसर बेस्ड है इसका, वो 64 है। 32 भी होता तो पुराने विंडोज़ के अंदर चलता था, पुराने सिस्टम्स के अंदर चलता था, विंडो पुरानी होती थी, लेकिन आजकल 64 है, तो आपने 64-bit ही ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना, ठीक है। यहाँ पर एडिशन वर्जन इंस्टॉल जो लिखा है वो इसे छोड़ दें, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस इसका लिखा हुआ है, OS बिल्ड लिखा है, ठीक है, कब की विंडोज़ इंस्टॉल हुई है और ये वर्जन लिखा, और इसे इग्नोर ही करें, ठीक है। इसके बाद आपने देख लेना, ये आपको समझ लगी, इसके अंदर हार्ड इसके कोर का लिखा है, इसकी जनरेशन का लिखा है और इसकी रैम लिखी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये चीज़ें देखी, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit है। अब यहाँ पर चीज़ रह जाती है स्पेसिफिकेशन में एक और, वो है हार्ड। यहाँ पर लिखेंगे दिस PC, और यहाँ पर फिर अगेन से जाएंगे, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में नहीं जाएंगे, इस दफ़ा मैनेज में जाएंगे। मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चला जाएगा, कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम देखें, ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको। तो सबसे पहला जो बॉक्स ये वाला जिसके ऊपर ऑनलाइन लिखा है, सो गाइस यहाँ पर इस बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन लिखा है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम लिखा है 223.57, तो इसका वॉल्यूम है जो 250 GB है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, आप सवाल करेंगे 223.57 कैसे 250 GB हो गया। देखिए, कभी भी कोई भी हार्ड लेंगे तो उसका वॉल्यूम कभी भी पूरा नहीं होगा। कोई आपको 250 GB कहे तो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर से उसकी जो इंटरनल जो हार्ड के अंदर से उसकी जो स्पेस होती है वो कम होती है। जब देखें 250 GB में 25 GB, 25 से 26-27 GB कम है, साढ़े 26 GB कम है कभी। तो अगर ये 250 GB है तो 26.5 कम है, तो अगर 500 GB लेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर 50-48 स्पेस जो होगी उसकी नहीं होगी। इसी तरह 1 TB लेंगे तो उसके अंदर मुमकिन है कि 1 GB ही उसके अंदर ना हो, ठीक है, 1 TB ना हो, मतलब 1 GB ना हो। तो इसी तरह अगर आप एक्सटेंड करते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसकी स्पेस कम होती रहेगी, ठीक है। कभी भी आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम में हार्ड नहीं मिलती। तो हार्ड को चेक करने का जो तरीका वो ये है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट में आके डिस्क PC को ओपन करें, डिस्क मैनेजमेंट में आए और यहाँ पर बेसिक ऑनलाइन वॉल्यूम जो होगा वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हार्ड ये इस तरह चेक होगी। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें हैं वो आपको बता दूँ। जब आप लैपटॉप ले रहे हो तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने जब लैपटॉप लेना है तो आपने सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि आपका नेट चल रहा है। अगर यहाँ पर लोगों के वाईफाई आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका नेट
चल जाएगा, और आपने कनेक्ट करके भी एक दफ़ा ब्राउज करके चेक करना है आपने नेट को, एक चीज़। दूसरी, आपने बैटरी चेक करनी है, आपने 15-20 मिनट चला के चेक करना है, अगर 3-4 घंटे का बैकअप इसका आ रहा है तो उसी हिसाब से ये कितनी डिस्चार्ज हो रही है। अगर इसका आपको बैकअप मिल रहा है अगर 3 घंटे का, तो उस हिसाब से 15 मिनट के अंदर ये कितनी डिस्चार्ज होगी, तो वो आपने खुद देखना है उसको, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने यहाँ पर देखना है, ये लेगा साउंड। साउंड को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी गाना या कोई भी साउंड प्ले करके चेक कर सकते हैं। अगर गाना या कुछ चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर साउंड के अंदर आके इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने यहाँ पर इसका माइक ओपन करना है। माइक ओपन करने के बाद वॉइस रिकॉर्डिंग लिखना है। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग लिख के आपने इसके ऊपर आना है। यहाँ पर जस्ट मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे ये उभर रहा है, और मैं बोलता हूँ जैसे तो वो उभरता है, बट मतलब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं इसे बंद करूँगा तो इसे मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो ये प्ले भी होगा, करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये प्ले हुआ। अब देखें ये चीज़ें हो गई, आपको मैंने नेट के बारे में बता दिया, आपको मैंने वॉल्यूम के बारे में बता दिया, आपको साउंड के बारे में बता दिया, बैटरी के बारे में बता दिया आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं देखता हूँ, कैमरा। मेरा वैसे कैमरा नहीं है, आपने यहाँ पर कैमरा लिखना और कैमरे को चेक करना। अगर आपके लैपटॉप के साथ कैमरा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कैमरे को चेक कर सकते हैं। वैसे मेरा कैमरा नहीं है, अगर कैमरा होता तो कैमरा यहाँ पर चल जाता और मेरी आपको तस्वीर नज़र आती, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।